ধরছে, COVID-19 থেকে জিততে গেলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, এই বিষয়ে আপনারা আপনাদের মতামত সরাসরি কল করে কিংবা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে আপনারা জানাতে পারবেন। তো চাইবো আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন জানান, যিনারা কল করেছিলেন দেবাশিস সরকার বাবু কলকাতা থেকে এবং সরানন্দ দাস মহাশয় উনি কল করেছিলেন, উনি ব্যাঙ্গালোরে থাকেন এবং ওনার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর। তো ওনার মতামত উনি তুলে ধরেছেন, আপনারা দেখেছেন। তো আপনারাও আপনাদের মতামত সরাসরি কল করে কিংবা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে আপনাদের ওপিনিয়ন আপনারা তুলে ধরুন, এটাই আপনাদেরকে বলবো। सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। তো আপনারা শুনেছেন, যিনারা কল করেছিলেন দেবাশিস সরকার বাবু এবং সরানন্দ দাস মহাশয়, ওনার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। তো মাইতি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তো আপনারা কল করেছেন এবং আপনারা যে মাইতি টিভি চ্যানেলের নিয়ত প্রত্যেক দিনই আপনারা দর্শক আপনারা দেখেন মাইতি টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রাম, তো তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা যে কল করে আপনাদের যে ওপিনিয়ন আপনারা তুলে ধরেছেন। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, মাইতি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে আপনারাও আপনাদের মতামত আপনারা জানাতে পারবেন, তো এটাই আপনাদেরকে বলবো, আপনারা সরাসরি কল করে আপনাদের ওপিনিয়ন আপনারা তুলে ধরতে পারবেন।